कहते हैं कभी इस देश में दूध और दही की नदियां बहा करती थी। अगर ऐसी परिकल्पनाओं पर आप सहमत हैं, तो फिर घी कुंड की परिकल्पना भी की जा सकती है। वैसे तो इस तालाब में पानी ही भरा है, पर पता नहीं क्यों इसका नाम घी कुंड पड़ गया है। जाहिर है इस तालाब के साथ ढेरों धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। बिलासपुर से सटे हुए ग्राम मोपका में मौजूद इस तालाब का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। सिर्फ पुराना ही नहीं, बल्कि इसके साथ कई धार्मिक मान्यताएं और दंत कथाएं भी जुड़ी हुई है। तालाब से कई प्राचीन प्रतिमाएं भी समय समय पर बाहर निकाली गई हैं, जिन्हें पास ही में विशाल पेड़ के नीचे स्थापित किया गया है। नए कलेवर के साथ श्री नागेश्वर महादेव की स्थापना घीकुंड मंदिर में की गई है। यहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि पर विशाल मेला भी भरता है, मगर इस तालाब की एक विशेषता इन सब पर भारी है। ग्रामीणों की आस्था कहती है कि इस तालाब में चमत्कारी रहस्य छुपे हुए हैं। जो भी व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ इस तालाब में डुबकी लगाता है, तो उसे किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, उससे मुक्ति मिल जाती है। यह दंत कथा पीढ़ी दर पीढ़ी कही सुनी जा रही है और सब इस पर यकीन भी करते हैं। यह जो तालाब है मोपका का, उसमें नहाने से खुजली वगैरह रहता है वो दूर हो जाता है। और बाहर के जो लोग आते हैं ना, इसमें पानी जो ले जाता है शरीर में लगाता है तो उसका पूरा शरीर साफ हो जाता है। यहाँ का मान्यता बहुत पुराना है, मानते आ रहे हैं। शायद यही विश्वास है कि लोग दूर दूर से चर्म रोगों से मुक्ति पाने घीकुंड तालाब आते हैं और यहाँ स्नान कर चर्म रोगों से मुक्ति की कामना करते हैं। भक्तों के पहुँचने का सबसे बड़ा अवसर वैसे महाशिवरात्रि ही है। यहाँ भी एक मेला भी बैठता है, ये मेला महाशिवरात्रि का बैठता है मेला। यहाँ बहुत तेती होता है। यहाँ पे एक ठो तालाब के बीच में एक ठो मूर्ति है, बहुत सदियों से पुराना वाला, वही इसी को नाम से उसे टीकू मैया बोलते हैं। यह तालाब ग्रामीणों के निस्तारी का प्रमुख जरिया है। अलग अलग घाट पर पुरुष और महिला को स्नान करते देखा जा सकता है। बच्चे और युवा तो तालाब के पानी में डुबकी और छलांग लगाकर जल क्रीड़ा का भी भरपूर आनंद लेते हैं। वैसे इस पानी की रंगत ही बताती है कि पानी खासा प्रदूषित होगा। ऐसे में इस प्रदूषित पानी में नहाने से चर्म रोग का होना तो संभव लगता है, मगर चर्म रोगों से मुक्ति मिलती होगी इस पर यकीन करने को मन नहीं करता। मगर क्या करें, आस्था के आगे सभी तर्क बेमानी हैं और यहाँ भी जीत आस्था की ही होती दिख रही है। जो भी हो, इस किंवदंती की ही वजह से ही घीकुंड तालाब अंचल में प्रसिद्ध है और इसकी ख्याति दूर दूर तक भी है। कैमरा सहयोगी सतीश बाटवे के साथ प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।